इंदौर में आगामी समय में प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली है। इसको लेकर पुलिस व्यवस्था को लेकर बनाए प्लान को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसके चलते डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना इंदौर पहुंचे और स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना ने बताया कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की गई, जिसके लिए उनके साथ एडिशनल डीजी इंटेलिजेंस और आईजी लॉ एंड ऑर्डर उनके साथ आए थे, जिन्होंने कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था का प्लान जाना और जरूरी निर्देश दिए। इंदौर भ्रमण के दौरान मेरे साथ एडिशनल डीजी इंटेलिजेंस तथा आईजी लॉ एंड ऑर्डर भी भोपाल से आए थे। हम लोगों ने इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के तथा आईजी रूरल इंदौर उनके अधिकारियों के साथ प्रवासी भारतीय दिवस एवं ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के सुरक्षा संबंधी तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की, उनकी तैयारियों की जानकारी ली और सभी तैयारियां व्यवस्थित रूप से चल रही हैं। इंदौर पुलिस इस पूरे आयोजन को सफलता से और सुरक्षित रूप से संपन्न कराने के लिए पूरी तरह तैयार है और जहां पर जो भी निर्देश देने थे वो सभी निर्देश हम लोगों ने दिए। जो भी इंदौर पुलिस को आवश्यकता होगी उसकी हम पुलिस मुख्यालय से पूर्ति करेंगे तथा जो भी विदेशी मेहमान आएंगे उनको हम एक अच्छा, सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण देंगे इंदौर में। इंदौर की जनता भी इसमें पूरा हमारा सहयोग करेगी, सभी लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरा आयोजन निर्विघ्न और सानंद संपन्न होगा। धन्यवाद। डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना ने आम जनता से भी अपील की है कि शहरवासी आने वाले अतिथियों को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने में पुलिस की मदद करे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।